नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो व्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो व्लॉग्स पे। एक फीमेल पाम हमारे सामने है और देखिएगा जो इनके ये गुरु बृहस्पति जी हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, हथेली में दोनों ग्रह बलाबल की स्थिति में हैं। और जिस भी जातक या जातिका की हथेली में ये गुरु और आपके ये शुक्र ये दोनों बली हो तो कहना ही क्या है। ऐसे व्यक्ति का जो चेहरा होता है ना, उसको देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ऐसा व्यक्तित्व इन लोगों का रहता है और मुस्कान बड़ी ज़बरदस्त होती है ऐसे लोगों की। ऐसा व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं और साथ में ये दोनों पर्वत बली हों और हथेली की रंगत बड़ी खूबसूरत हो तो ऐसे लोग प्रेमी भी होते हैं। सबके साथ घुल मिलकर रहने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और आपकी हथेली में दोनों आचार्य जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति, दैत्यों के गुरु शुक्र, दोनों बलाबल की स्थिति में यहाँ पे हैं, तो निश्चित ही जीवन काल में जहाँ सुख सुविधा की आने वाले समय में प्राप्ति होगी, वहीं संपन्नता भी आएगी, प्रतिष्ठा भी आपको अपने जीवन काल में बहुत बेहतर स्थिति में मिलेगी, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा है वो एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे रुक रही है, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। ये इंगित करता है कि आप अपने मस्तिष्क के द्वारा गलत निर्णय ले लेंगे अपने जीवन में, और उस एक गलत निर्णय के कारण स्वयं के डेवलपमेंट को, स्वयं के प्रोग्रेस को जो है अवरुद्ध करने का कार्य करेंगी ही करेंगी, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति दो बार तीन बार सोच करके, बड़े सोच समझकर अगर अपने कार्यों को करें, डिसीजन लें, तो ये चीज़ें निकल जाती हैं। और करियर और धन की रेखा को स्पष्ट तरीके से अगर देखा जाए तो इसके लिए योगिक क्रियाएं होती हैं, ज्योतिषीय उपाय होते हैं, इनको करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर आप इसका ज्योतिषीय उपाय करें तो निश्चित तौर पे जो है यहाँ से आपकी फिर एक करियर और धन की रेखा बन रही है, लेकिन अभी बहुत धूमिल है। अगर ये अच्छी तरह से बन जाती है तो आने वाला समय करियर और धन के मामले में बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे उसमें निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी, धन की जगह धन आएगा, समृद्धि की जगह समृद्धि की प्राप्ति होगी और प्रतिष्ठा की जगह आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी। लेकिन उसके लिए इस धन और करियर की रेखा का मैं उपाय दूंगा, उसको करना बहुत ज़रूरी है। एक दो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, देखिएगा ये अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये हिस्सा है ना, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर के शिष्य हैं और इनके हमारी हथेली में अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन की हथेली में इसका पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी होंगे, चेहरा भी ये कह रहा है कि बहुत सुंदर देगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर होगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये जो चीज़ है ये कुछ ज़्यादा उठी हुई दिखाई दे रही है, हल्की सी, तो थोड़ा हल्की सी जो है मानसिक चिंता वर्तमान समय में ये दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं
और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपके नज़रिए से देखा जाए तो अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। हल्का सा इसको जो है अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा योगिक क्रियाओं द्वारा। और ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, आदि योगी उनके शिष्य हैं ये, और ये खुद योगी हैं, गुरु हैं, आचार्य जी हैं। तो योगिक क्रियाओं द्वारा, ज्योतिषीय उपाय द्वारा इनको अनुकूल करना है। और जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं, उसका जो है व्यापार डालना चाहते हैं, वो इस इन्हीं से संबंधित है। निश्चित तौर पे 2-3 महीने आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा और थोड़ा सा जो है शुक्र का उपाय कर लीजिएगा। ये आपकी जो करियर और धन की रेखा है, इसका एक साथ उपाय कर लीजिएगा। 3-1 महीने के बाद आप अगर अपना वो व्यवसाय शुरू कर लें तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शुक्र ठीक रहता है तो व्यक्ति को जो है शुक्र से संबंधित परेशानियां नहीं होती हैं। ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेट की परेशानी, चाहे कब्ज हो, गैस हो, इसी तरह की हो, आंशिक हो, पर देता है। थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी भी देता है अगर अनुकूल ना हो तो। परिवार का जो सहयोग है वो थोड़ा सा कम मिलता है, उसका सुख कम मिलता है। जीवन में लाख प्रयास कर ले व्यक्ति, अगर शुक्र ठीक नहीं है तो सुख मिलना बहुत दूभर हो जाता है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, व्यक्ति को मिलना थोड़ा सा कम हो जाता है। और कामेच्छा से संबंधित या पेट से संबंधित, अतड़ियों से संबंधित, शुगर से संबंधित, अगर ये ज़्यादा बिगड़ जाता है तो परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं। ये इतने रूप में तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानसिक परेशानी दे रहा है थोड़ा सा। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को भी दिखा रहा है। इसको ठीक करिएगा और ये अनुकूल निश्चित तौर पर होगा। ये 2.5 महीने, अगर 2.5 महीने ना हो तो 2.5 वर्षों तक इस स्थिति में बैठता है, उसके बाद अनुकूल आता है। हाँ, आने वाले समय में बच्चों का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, और जो बुढ़ापा कालीन आपका उम्र रहेगा वो बहुत सुंदरता से गुजरेगा, ये निश्चित है। यहाँ पे ये दूसरे गुरु हैं हमारे, और ये हैं आचार्य बृहस्पति जी। ये यहाँ पे बहुत सुंदर स्थिति में पुष्टता ली हुई है, ये जगह आप देख रहे हैं उभरी हुई है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है, ऐसी जातिका स्वयं तो उन्नति करती ही हैं, जो ऐसे लोगों से जुड़ती हैं, इस संसर्ग में आता है जो इनके, उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करती हैं, सहयोगी की भावना रखती हैं, लेकिन ईगो प्रॉब्लम इनके अंदर ज़्यादा रहती है। और दूसरी बात, भोजन प्रिय ज़्यादा होंगी, कुछ ना कुछ खाते रहना, और थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी ये ज़्यादा दिखाती हैं, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी ऐसे लोगों को मिलता है, क्योंकि आचार्य बृहस्पति हैं। और आचार्य बृहस्पति अगर पुष्ट हो तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होते हैं, अपार मान सम्मान की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। जिस रूप में बृहस्पति बैठे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे ट्यूशन ही दे देंगे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, और अगर हम कहें तो कानून के क्षेत्र में, अगर कार्य करने के इच्छुक हैं या कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर सफलता मिलने वाली है। लेकिन थोड़ी सी इसको भी अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है हल्का सा यहाँ पर ज़्यादा उठा हुआ है, तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है जीवन काल में, आप नहीं समझेंगे पर रहेगी। दूसरी बात है कि खाने की प्रवृत्ति, भोजन प्रिय ये बना सकता है, हर समय जो है खाते रहने की आदत पड़ सकती है, और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा उठ गया तो मोटापा भी दे सकता है और शारीरिक विकार भी उत्पन्न कर सकता है, मगर उस स्थिति में नहीं है। हाँ, थोड़ा सा शनि से युक्ति बना रहा है तो पारिवारिक समस्याओं का हल्का सा सामना आपको करना पड़ सकता है, इस बात की ओर ये आपको ले जा रहा है। वैसे कुल मिला के बात देखें हथेली में तो बहुत ज़्यादा जो है शारीरिक तकलीफ नहीं है, लेकिन इन दोनों ग्रहों की वजह से
थोड़ा सा जो है शारीरिक विकार आ सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन बहुत गंभीर नहीं है। हाँ, जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में समृद्धि मिल सकती है, लेकिन वो कार्य 3 महीने के बाद ही आप शुरू करें। जब तक आपकी करियर और धन की रेखा और ये पर्वत अपने अनुकूल स्थिति में नहीं आते हैं, तब तक थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं अड़चने ज़रूर आएंगी, पर बहुत लेट नहीं, बहुत सुंदर वैसे हथेली है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, जिसे हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, ये बृहस्पति महाराज के ऊपर बनने वाली उंगली है और ये पूरी तरह से झुक रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। और जब हमारी इंडेक्स फिंगर इस मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जागृत करती है। आपका जो व्यक्तित्व है वो ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व है, ईश्वर में जो है आस्था रखने वाला व्यक्तित्व है। वहीं आपकी मिडिल फिंगर लंबी है, लेकिन ये भी झुक रही है और ये झुक रही है सूर्य पर्वत की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ। और जब हमारी मिडिल फिंगर इस रिंग फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो थोड़ा सा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है और ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की व्यक्ति को प्राप्ति होती है, चाहे वो व्यक्ति जो है मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यहाँ पे तीसरी चीज़ अगर देखते हैं तो आपकी रिंग फिंगर का झुकाव इस तरफ ना हो करके इस तरफ है, मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की तरफ। और जब रिंग फिंगर का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ होता है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप ले लेती है और ये अच्छा भी है। अगर हमारे अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल होती है तो हम क्रिएटिव हो जाते हैं और उस कार्य को करने बैठ जाते हैं या उस कार्य को करने की सोचते हैं जिसमें हमें नेम और फेम मिले, ये बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ महिलाओं की हथेली में होनी ही चाहिए, वो चीज़ आपकी हथेली में है। आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है यहाँ पे, वो रिंग फिंगर से थोड़ी सी जो है बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये गुरु के ऊपर बनने वाली फिंगर है और इसको बृहस्पति की फिंगर भी कहते हैं। आप कार्य कुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल जीवन काल में रह सकती है। लीडरशिप के गुणों को दिखाती है ये उंगली, और विशेषकर महिलाओं की तर्जनी इंडेक्स फिंगर इस प्रकार से बड़ी हो जैसे आपकी हथेली में है तो ये अच्छा है, क्योंकि महिला गर्वीली अहंकारी स्वभाव की होती है, शासन करने की इच्छा रखने वाली होगी तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। महिलाओं को दब्बू किस्म का नहीं होना चाहिए, गर्वीला होना चाहिए, अहंकारी स्वभाव की होनी चाहिए, शासन करने की इच्छा रखने वाली महिला होनी चाहिए, यही समाज में श्रेष्ठता दिखाती है। और आपकी गुरु की उंगली, गुरु के सभी गुण आपके अंदर समाहित हैं, ये आपकी हथेली दिखाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छा है और ये नेचुरल है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ना आपने कोई उपाय करके, ना हमने आपको कुछ उपाय देकर। यहाँ पे जो मरकरी की उंगली है ये भी पूरी तरह से झुक रही है, जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, ये रिंग फिंगर की ओर झुक रही है, इस उंगली को हम अनामिका कहते हैं। और जब कनिष्ठा का झुकाव अनामिका की तरफ होता है ना, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की जो ललक है उसको ये बड़ी अच्छे रूप में पैदा करती है। व्यक्ति संसार की तरह ही सोचता है कि मेरे पास अच्छा खासा धन हो, मेरे पास भी भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी हों और मैं एक बेहतरीन धन जो है अपने जीवन में अर्जन करूं। लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रही है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे मनी मैनेजमेंट हो, कागजों के रखरखाव हो, अकाउंटेबिलिटी हो, इसमें ये कमी को दिखाती है। लेकिन ये चिपकी हुई है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी होती है जो वो ये चीज़ों को मैनेज करते हैं।
यहाँ पे वर्तमान में देखा जाए तो इस उंगली का जो झुकाव है, यहाँ पे इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, माने सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे वर्तमान में मिडिल फिंगर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव है, ये नेगेटिव इसलिए है कि इसमें शनि के गुणों में प्रधानता आ जाती है, और शनि के जब नेगेटिव गुणों में प्रधानता आती है तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करती है। तो शनि का थोड़ा जो नेगेटिव प्रभाव है उसको योगिक क्रियाओं द्वारा हमें ठीक करना पड़ेगा, और ये मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूँगा। दूसरी बात, अगर आपका अंगूठा देखें बहुत अच्छा है, लंबा है, इसे बहुत अच्छा माना जाता है। प्रथम पौरवा देखें नुकीला भी है, लंबा है, जीवन काल में इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, और जिस व्यक्ति के जीवन काल में अच्छी इच्छा शक्तियाँ होती हैं ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर लेता है। सेकंड पौरवा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, ऐसे में तर्क शक्ति बेहतरीन मानी जाती है। दोनों पौरवों के बीच में वास्तव में एक यव का बहुत बेहतरीन साइन बन रहा है, और ऐसे लोग थोड़ा भावुक किस्म के होते हैं, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व होता है, और ऐसे लोगों को अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलता है। किसी कारणवश आपको अपने घर का सुख अपने कमाई हुई पैसों से न मिल पाए तो किसी के सहयोग से, सहयोग उसमें अपने परिवार के सदस्यों का होता है, चाहे बच्चों का हो, चाहे जो है अपने लाइफ पार्टनर का हो, अगर वो भी न मिल पाए तो पैतृक संपत्ति का ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन काल में अपने घर का सुख निश्चित तौर पे होता है, और यही आपकी उंगली यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं थोड़ा, हाँ, यहाँ पे जो आपकी ये है हृदय की लकीर, यहाँ पे शनि और गुरु के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। महत्वाकांक्षी हैं, कोई कमी नहीं है महत्वाकांक्षी में, और आपकी सोच जो है हमेशा आगे बढ़ने की रही है। गुरु का बहुत ज़्यादा प्रभाव आ रहा है, जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल पर पहुँचने की वो यहाँ पे ज़्यादा प्रतीत हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव आ रहा है जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत या जुगाड़ करना पड़े या किसी का सहयोग लेना पड़े, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे ये बताती हुई दिखाई दे रही है। वहीं देखिएगा यहाँ पे जो है एक वर्ग भी बन रहा है, और ये वर्ग का प्रभाव भाग्य स्थान पर पड़ रहा है। जीवन में ये व्यक्ति के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे लोग बार बार मौत के मुँह में जाकर भी आश्चर्यजनक रूप से उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं उभर कर, ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ अगर देखें, यहाँ पे एक त्रिकोण, यहाँ पे एक त्रिकोण दिखाई दे रहा है। ये त्रिकोण बताता है कि आप अपने कमाई हुए पैसों से या किसी के सहयोग से अचल संपत्ति की प्राप्ति आपको होगी। ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आपको, चाहे ससुराल पक्ष से हो चाहे माए के पक्ष से हो, निश्चित ही जो है पैतृक संपत्ति का लाभ भी होगा। इसी चीज़ को ये बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा सीधी सरल है और यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ऊर्ध्व मंगल पे समाहित हो रही है, या ऊर्ध्व चंद्रमा जिसे कहते वहाँ पे समाहित हो रही है। ये बहुत अच्छा है, ये इसलिए अच्छा है कि विवेकवान हैं आप, अपने विवेक से अपनी बुद्धि से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका, और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है। जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, चाहे घर का ही काम क्यों ना हो, अपनी मस्तिष्क शक्ति से बेहतरीन स्थिति में और बेहतरीन तरीके से उस काम को आप करेंगे। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, मानसिक प्रबलता आपके अंदर बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और कल्पना शक्ति भी बहुत सुंदर है। जीवन में थोड़ा उदासी तो रहेगी जिस तरह से ये लाइन जा रही है, लेकिन ये जैसे स्पष्ट हो जाएगी, एक उत्कृष्ट खोजकर्ता, एक रिसर्चर आपके अंदर आ सकते हैं। और रिसर्च ऐसा नहीं कि बहुत पैसा दे के हम केवल विज्ञान के क्षेत्र में कर सकते, व्यक्ति अपना काम भी कर रहा हो
उसमें ऐसी मार्केटिंग रिसर्च कर लेता है कि अपनी चीज़ को किस प्रकार से बेचना है, अपने जो उद्योग है उसको किस प्रकार से जो है उसका विस्तार करना है, मार्केट में नया क्या चल रहा है, किस चीज़ के और लोग दौड़ रहे हैं, क्या नए आइडियाज हैं, उन पे काम करना, इस चीज़ की रिसर्च ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक त्रिकोण बना है, ये भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे आपकी इस रेखा को, करियर और धन की रेखा को, जीवन रेखा को बार बार कुछ रेखाएं काट रही हैं। ये वर्तमान समय में संघर्ष की स्थिति को दिखा रही है, विशेषकर धन और करियर के मामले में कुछ समय तक आपका संघर्ष जरूर रहेगा, मानसिक तनाव भी रहेगी, दुविधा भी बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है जो धन का मामला है, आर्थिक स्थिति है, उसको भी ये कमज़ोर करने का कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। इसका जो है आपको उपाय बहुत ज़रूरी करना है, और इसका उपाय केवल यौगिक क्रियाएं हैं, केवल मंत्र जाप वगैरह नहीं है। हाँ, जीवन की रेखा आपकी बहुत अच्छी है, और इस तरह की जीवन रेखा परिवार के प्रति समर्पण के भाव को दिखाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं अगर काट लें तो ये व्यक्ति के अंदर आंशिक रूप से तनाव को भी दिखाती है, कहीं ना कहीं अड़चने तनाव आते रहते हैं, बहुत बड़ा परेशानी, बहुत बड़ा कुछ नहीं दिखाता है। एक रेखा यहाँ पे उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। जब ये रेखा पुष्ट और सुंदर होगी, ये मान के चलेगा जीवन में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, और ईश्वर की जो कृपा है वो कृपा दृष्टि आपके ऊपर बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है। दूसरा, ये इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि की आप मालकिन हैं, लेकिन उस प्रतिभा और उस तीव्र बुद्धि को हरण करती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे ये रेखाएं। जो प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। जो सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से भगवान ने दी है, उसमें कहीं ना कहीं दुविधा, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति भी दिखाई दे रही है। वैसे जो आपका व्यक्तित्व है, अगर जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं, और आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली है, लेकिन सभी चीज़ों को में कमी जो करती हुई दिखाई दे रही है ये इस रेखा को काटती हुई रेखाएँ हैं। तो थोड़ा यौगिक क्रियाओं द्वारा, एक ही यौगिक क्रियाएँ सारी चीज़ों को ठीक कर लेती हैं, इसका मैं एक ही यौगिक क्रिया आपको दूंगा। बाकी चीज़ों का हमने अध्ययन कर लिया है, लेकिन यहाँ पे आपका निम्न मंगल, उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, ये पराक्रम आपके अंदर दे रहा है, ये एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर दे रहा है। संकट के समय मन आपका दृढ़ रहेगा, घबराएगा नहीं, मानी मजबूती से खड़े रहेंगे आप, ये आपका उच्च मंगल आपको दे रहा है। लेकिन निम्न मंगल बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये वर्तमान समय कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता में असर डालना, और ये ज़्यादा विकृत हो गया तो नज़रों में थोड़ा कमी कर देता है, शरीर की ताकत को कम करने का कार्य करता है, जोड़ों में, शरीर की जोड़ों में दर्द करने का कार्य करता है, और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति का चश्मा तक लग जाता है, इस तरह की ये परेशानी देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मिडिल फिंगर के नीचे शनि का जो है आप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। शनि जो है कहीं ना कहीं जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करने का कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं ये मानसिक तनाव देने का कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं जो सोचने की क्षमता है उस पर असर डाल रहा है, और आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से, सब रूप से ये थोड़ा सा अड़चने देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य आपका ठीक है वैसे, लेकिन हल्का सा जो है आपको पुष्ट इसे जरूर करना है। बुध का देखें तो बुध यहाँ पे वैसे वाणी की शक्ति को अच्छा रख रहा है, सौंदर्य हुआ, भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है व्यापार की स्थिति में मध्यम स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसके लिए थोड़ा सा जो है आपको अपना व्यक्तित्व तो बदलना है, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर करनी है, तो बुध को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में उपयोग कर लीजिएगा। सुबह ब्रश करने के बाद दो पत्ते तुलसी की जरूर चबा लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपको। संडे को छोड़ दीजिएगा, बाकी दिन
और सुबह और शाम अगर हो सके तो बोल बोल कर बहुत मधुर स्वर में 108 बार गायत्री महामंत्र का पाठ नियमित रूप से अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। अगर 108 बार न कर सकें तो 11 बार 21 बार 51 बार जितना आप जो है खुले मन से जिसमें ध्यान की अवस्था आ जाए ऐसे में कर लीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक हरा रुमाल अपने पास सिंबल के तौर पर रख लीजिएगा, अपनी जेब में रखें, ऑफिस के बैग में रखें, इस तरह आप रख लीजिएगा, उसका यूज न करिएगा, 3 महीने तक रख लीजिएगा। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के तुरंत बाद उस परफ्यूम को अगर एलर्जी नहीं है तो अपने बदन पे डालिएगा थोड़ी मात्रा में। इससे जो है जो लाभ की प्राप्ति आपको 3 महीने बाद दिखाई देगा, बुद्ध अपने आप में बहुत परिपूर्ण अवस्था में आएगा। और जब किसी का बुद्ध परिपूर्ण अवस्था में होता है तो जीवन में बहुत अच्छे फल देता है, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे आर्थिक जीवन हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाएँ हो। ये जीवन में जो है सभी घटकों को, सभी आयामों को बहुत जो है बड़ा चढ़ाकर उसमें उसका फल को दुगना कर लेता है। तो बुद्ध को आप जो है वैज्ञानिक तरीके से जो मैंने बताया है उस रूप से उसको डेवलप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा आपका बड़ा खूबसूरत है, सुंदर है, यहाँ पे ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चाहे और ग्रहों के रूप से थोड़ा मानसिक परेशानी रह सकती है, शारीरिक परेशानी थोड़ा रह सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन इस चंद्रमा की वजह से ज़्यादातर अवस्था में मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा और शरीर में कितनी भी समस्या हो जाए मन घबराएगा नहीं, अडिग रहेगा और पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आने वाले समय में निश्चित ही शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा जितना बेहतर आपका होता जाएगा आप क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा बढ़िया हो, किसी का बहुत सुंदर हो और माँ है तो माँ का सुख व्यक्ति को बहुत बेहतरीन अवस्था में मिलता है। चंद्रमा हथेली में बेहतर हो, सुंदर हो तो व्यक्ति छल कपट से दूर रहता है। अगर इस तरह से सुंदर हो तो जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं व्यक्ति बनाता है और सकारात्मक सोच रखने वाला ऐसे लोगों का व्यक्तित्व रहता है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी जो है अड़चने डाल रही हैं, उनका यौगिक क्रिया द्वारा निदान करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 2 मणिबंध की साफ सुथरी और गहरी रेखाएं हैं, ये इस बात का द्योतक है कि बुढ़ापे तक बहुत बड़ी बीमारी या बहुत कष्टकारक जीवन नहीं रहेगा, जीवन में जो है कष्ट नहीं होगा बहुत ज़्यादा। थोड़ी मोड़ी समस्याएँ सबकी आती हैं, थोड़ा मोड़ा संघर्ष सबको मिलता है, लेकिन बहुत जो है परेशान करने वाला नहीं। दूसरी, स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, ये आपकी हथेली बता रहा है। कुल मिला के बात करें एक विशिष्ट हथेली है और मैं कहूँ तो सभी चीज़ों का भोग करने वाली हथेली। थोड़ा शनि का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है जिसके कारण और थोड़ा सा इस स्थान पर बहुत सारी रेखाएँ आ गई हैं और शुक्र जो है बहुत ज़्यादा बली हो गया है जिस कारण कुछ समस्याएं हैं। निश्चित ही अगर आपने सही उपाय कर लिया तो 3 महीने के बाद स्थितियां बदलती हुई महसूस होगी और पूरी तरह से 2.5 वर्षों के बाद ही स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। चाहे उपाय कितना भी कर लो लेकिन इनका अपना समय होता है और उपाय अगर आप 100% कोई समस्या है तो 30% निदान करती है, ये निश्चित है। लेकिन व्यक्ति के अंदर होता है कितना अनुशासनात्मक ढंग से व्यक्ति उन उपायों को करता है, ये जातक और जातिका के ऊपर होता है और कितना आप उसमें श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। और जो विज्ञान है, विज्ञान में श्रद्धा विश्वास का कोई मतलब नहीं रहता है, उसमें करना होता है। आपकी क्रियाएँ कैसी हैं, किन आयामों से आप उन क्रियाओं को करते हैं वो चीज़ देखी जाती है। आप किस तरह जो है क्रियाएँ करते हैं उसी तरह आपको उसका फल मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।